का शव मिलने से परिजनों में बचा कोहराम और क्षेत्र में फैली सनसनी। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर सिधौली तहसील क्षेत्र के थाना रामपुर कला क्षेत्र के सेमरा गांव में एक युवक का शव मिला। क्षेत्र में बचा हड़कंप गांव में शादी समारोह में शामिल होने के बाद परिजनों से बात करके गांव के पश्चिम तालाब में पली हुई मछलियों को देखने के लिए गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक प्रतिदिन तालाब में मछलियों की देखरेख का काम करता था, लेकिन आज तालाब पर से युवक वापस घर नहीं पहुंचा तो परिजन सुबह से ही खोजबीन शुरू कर दिया। काफी खोजबीन करने के बाद में दोपहर को गांव के पश्चिम तालाब के दिकट एक खेत में युवक का शव मिला। मृतक का नाम रामकिशोर पुत्र सुरेश कश्यप 32 वर्षीय मृतक रामकिशोर के तीन अबोध बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। परिजन से मिली जानकारी के अनुसार रामकिशोर के शव के पास चाकू और ईंट के खंड मिले। पुलिस ने ईंट के खंडों सहित चाकू को जब्त कर लिया। युवक के शरीर पर चाकू के भारी भारी जख्म के साथ सिर पर पत्थरों से कई बार वार किया गया। ग्रामीणों को जानकारी मिलते ही ग्रामीण और प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के बयान दर्ज करके शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय भेज दिया है। थाना रामपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरी में एक 32 वर्षीय युवक जिसका नाम रामकिशोर है, उसका शव गांव से लगभग 500 मीटर दूर खेत से बरामद हुआ है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तीन टीमें लगाई गई हैं। घटना का शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा।